अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के पेपर में एक पेपर होता है डिज़ाइन का, जो कि बहुत आसान पेपर होता है। उसमें ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी बनाने के लिए आता है तो उसका साइज़ वगैरह दिया हुआ रहता है। ख़ास तौर से इंटरमीडिएट में अगर कोई चीज़ बनाने के लिए आती है तो उसकी साइज़ दी रहती है कि इतने से इतने सेंटीमीटर में आपको बनाना है। तो यहाँ पर आज हम लोग जो बनाएंगे, फर्स्ट कर लो, जैसे आपको आया पिछले साल 2021 में, अभी रमज़ान महीने में एक आया था बनाने के लिए डिज़ाइन में, लैम्प शेड में डिज़ाइन, लैम्प शेड में डिज़ाइन। तो किस तरीके से बनाना है हम लोगों को देखते हैं। यहाँ पर लैम्प शेड में डिज़ाइन, पेंसिल से सबसे पहले एक हल्का सा ड्रॉ करना है। आपको जिस तरीके का भी लैम्प आता है उस तरीके का आप लैम्प बना सकते हो। ये मैं यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन बनाया लैम्प शेड की। उसके बाद उसका जो शेप है वो बनाना है हम लोग को, और ऐसा बनाना है कि बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा चौड़ा नज़र ना आए, उसकी हाइट के हिसाब से उसकी चौड़ाई रहे। ये एक लैम्प शेड मैं बनाया हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। और इसमें किस तरीके से हम लोगों को डिज़ाइन बनाना है, अब उसमें ये भी बोला जाता है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बना सकते हो, किसी भी आरआईसी डिज़ाइन का इस्तेमाल करके, या फिर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन इस्तेमाल करके, या फिर कोई भी चरिंद परिंद या किसी की भी तस्वीर से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जो आज बना रहे हैं ये, इसको किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है देखते हैं। लैम्प में डिज़ाइन, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको ब्लैक स्केच पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। इस तरीके से मैंने बनाया एक शेप, ये लैम्प का। ये बैलेंसिंग भी नज़र आना चाहिए उसकी, ऐसा ना हो कि इसका स्टैंड एक जानिब दिखाई दे। ये इस तरीके का शेप मैंने दिया। अब यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बना सकते हैं। कोशिश करना है कि डिज़ाइन बड़ी बड़ी आप बनाएं, ताकि आपको कलर करने में बिल्कुल आसानी महसूस हो। बहुत ज़्यादा छोटी डिज़ाइन बनाने में कलर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए डिज़ाइन बड़ी बड़ी बनाएं आप, क्योंकि डिज़ाइन की इसमें कैद नहीं होती है। ये इस तरीके से आरआईसी डिज़ाइन का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और बनाने के बाद इसको अगर हम पोस्टर कलर से कलर करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे बजाय ऑयल पेस्टल के, इसलिए कोशिश करें कि डिज़ाइन का पेपर जब भी आप बनाएं तो इसमें आप पोस्टर कलर करें, ना कि पेस्टल कलर। ये एक डिज़ाइन यहाँ पर मैंने बनाया हूँ। ये इस तरीके से हमारा लैम्प तैयार हो गया। अब इसमें एक
पेस्टल कलर से फिल वक्त मैं आपको सिर्फ कलर करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि इसमें शेडिंग में आपको कलर करना रहेगा। जैसे अगर आपने ऑरेंज कलर लिया है तो ऑरेंज कलर से इसको किस तरीके से शेड करना है मैं सिर्फ आपको हल्का सा एक दिखा दे रहा हूँ। ये वन साइड हम लोगों ने कलर किया, फिर उससे को हम उसी को हम लोग ने वाइट से मिक्स कर देना है। शेडिंग में नज़र आना चाहिए ये, और अच्छा लगने के लिए इसमें थोड़ा सा डार्क कलर डाल देंगे हम लोग। इस तरीके से जैसा नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये देखिए इस तरीके से ऊपरी हिस्सा जो सिरा है उसको भी हम लोग को अच्छे से कलर करना है, शेडिंग में करना रहेगा। और शेडिंग में कलर करने से इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, आपका ग्रेड अच्छा आएगा। ये यहाँ पर इस तरीके से देखो मैं कर रहा हूँ कलर, शेडिंग करने की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो 3D लगने लग जाती है, ओरिजिनलिटी आ जाती है उसमें। जब ये आप पोस्टर कलर से करेंगे तो शेडिंग बहुत अच्छे तरीके से उसमें होगी, क्योंकि वाटर उसके अंदर मिक्स करना पड़ता है, तो वाटर से अगर आप मिक्स करोगे तो ये बिल्कुल रियल नज़र आएगा। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर किया हूँ, बैकग्राउंड में हम लोग जो कलर करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पर। और इसमें मैंने पहले भी कहा है कि कलर की कोई कैद नहीं होती है, आप इसको जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कलर कर सकते हो। यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने कलर किया हूँ। और शेडिंग इसलिए करना इसमें ज़रूरी है ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा नज़र आए और उसकी फिनिशिंग वाज़े हो। ये तकरीबन 3 घंटे का पेपर होता है तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है, 3 घंटे में बिल्कुल आराम से और बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा कलर करना है, ताकि आपको जो नंबर है वो ज़्यादा मिले। इस तरीके से एक डेमो यहाँ के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको इसको कलर करना है। ये यहाँ पर इस तरीके से पूरा पूरा कलर कंप्लीट करें आप, और पोस्टर कलर से जब आप कलर करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। पोस्टर कलर में आपको इसमें ज़्यादा नंबर आप मिलने के चांस हैं। ये एक लैम्प, एक डेमो मैंने बताया हूँ, और बहुत सारे तरीके का हम लोग इसके अंदर आरायशी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बाजू में मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। इसमें आप इस तरीके के पत्तियाँ, फूल के आकार, जैसा कि डिज़ाइन में पूछा जाता है, बताया जाता है, और उसमें बोला भी जाता है कि किस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना है,
उसमें एक लफ्ज़ आता है आरायशी, इन सब डिज़ाइन को आरायशी डिज़ाइन कहा जाता है। मतलब फूल्स के जो डेकोरेटिव फॉर्म होते हैं वो आपको बनाना होता है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसमें से कोई भी शेप आप कहीं पर भी फिट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी को कॉपी किया जाए। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई और अच्छा फॉर्म भी बना सकती हैं। इस काम में लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा माहिर होती हैं, क्योंकि वो मेहंदी वगैरह लगाती हैं। इसमें फूल के अलग अलग शेप्स हम लोग दे सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि इसमें जो डिज़ाइन आप जब भी बनाएंगे तो आपको बड़ी और अच्छी डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि आपके पास तकरीबन 3 घंटे का वक्त तो होता है, तो 3 घंटे में आप उसको एकदम अच्छे से बनाइए। इसमें से आप कोई सा भी फॉर्म लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावर के लिए या पत्ती के लिए या आरायशी डिज़ाइन के लिए। जो चाहे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन का पेपर तकरीबन 3 घंटे का होता है। अगर आपको इस ये वर्क पसंद आए तो जजाकअल्लाह, शुक्रिया, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।